जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्वागत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल अपने गांव से, और मेरा नाम है रंजना राणा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी सुबह के बज गए 9 और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो आप लोगों को पता है मतलब कि सावन के टाइम पे हर सोमवार को मंदिर जाना पड़ता है। हम पहले वाले सोमवार को तो नहीं गए थे, और हमारे व्रत भी नहीं है, आप लोगों को पता है क्यों नहीं है। और आज हम जाने वाले हैं शिवजी भगवान के मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए और तेल धूप लेके। तो आज पहली बार जाने वाली हूँ मैं। वहाँ सामने पहाड़ है, तो उसके उधर है जनकोटी, तो वहाँ शिवजी भगवान का मंदिर है, शिवलिंग है वहाँ पर। तो मैं पहली बार जाने वाली हूँ वहाँ, पहली बार वो मंदिर देखने वाली हूँ। चाची और तो जा रखी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। और अंकू, मैं, चाची और ऋतिक जा रहे हैं, हम चारों के चारों वहाँ जा रहे हो। दादी जा रही है माँ जगदीशिला के मंदिर में, क्योंकि गांव वाले भी जा रहे, तो दादी वहाँ जा रही है। एक दिन चाची के साथ जगदीशिला मंदिर में भी जाएंगे तेल धूप लेके पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी शिवजी भगवान का मंदिर है। और आज हम जा रहे हैं जनकोटी शिवजी भगवान के मंदिर में, तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो हम जाने वाले यहाँ ऊपर टॉप में, उसके पीछे एक मंदिर है शिवजी भगवान का, जनकोटी है वहाँ का नाम। तो वहाँ जाने वाले, तो बीच में आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ है, तो हम यहाँ जंगल वाले रास्ते से जाने वाले हैं ऊपर 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 घूम के। ये दादी जा रही है जगदीशिला, और ये देखो सबके सब जा रहे हैं ऊपर जगदीशिला के मंदिर में। ये दादी का सर दर्द हो गया कि ये लगे हुए चलने पे। ये चाची यहाँ पे नेल पॉलिश लगा रही है, देखो अभी मंदिर में जाने के लिए। और ये अंकू भी आ चुकी है, आरुषि भी आ चुकी है, और हमने दरवाजे लगा लिए, अब हम निकलते। दादी तो चली गई है। तो अभी हम यहाँ पे सबके सब निकल चुके हैं, बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले। तो अभी निकलते हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से, ये जंगल जंगल वाले रास्ते से आगे से इधर के साइड के लिए मुड़ेंगे। अंकू बोल रही है जहाँ हम जा रहे हैं वहां से हमारा गांव भी दिखता है कि बहुत प्यारा लगता है, तो पहचान भी नहीं पाएगी कि ये हमारा गांव है। तो देखते हैं कैसे लगता है। तो ये है यहाँ पे छुआरी वाली दादी और का घर, और हमारे घर इधर की साइड है। हमारे घर के आगे से पेड़ भी है यार। हमारा घर में क्या बनता है, चाची बोल रही है थोड़े थोड़े दिखते हैं, और रास्ते रास्ते में कुछ इस तरीके से यहाँ पे धारे दिखते हैं। ये देखो यहाँ पे आधा गांव दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चाची क्या बोल रही है, चाची बोल रहे हमारा घर यहाँ पे, यहाँ पे ये पेड़ों की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जहाँ से ना हमारा गांव दिखता है ना, मतलब लग ही नहीं रहा हमारा गांव होगा, बहुत भयंकर मस्त लग रहा है यार। और ऊपर से बहुत ही अच्छा, और भी अच्छा लगेगा, तो आपको ऊपर से दिखाएंगे। ये देखो ऐसे से रास्ते यहाँ पे, यहाँ देखो इधर की साइड की जोक लग रही है ना, और यहाँ का व्यू देखो। ये देखो ये देख रहे यहाँ पे हमारे गाँव का व्यू, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है हमारा घर यहाँ पे, जो कि दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देख सकते हो गांव से यहाँ कितना गैप है। ये यहाँ पे ऊपर जगदीशिला का मंदिर, और यहाँ ये देखो पूरा गांव दिख रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों आज दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग रहते हैं इधर की साइड। ये यहाँ पे सरपोली हमारा गांव है, और कैंपघर है, ये यहाँ पे कैंपघर है जो हमारे घर के ऊपर, ये घर के ऊपर। और ये है यहाँ पे खरदू, ये देखो, और ये यहाँ पे चटोली भदान, ये मालगांव इधर, और देख सकते हो कितने पास पास है गाँव, वैसे कितने दूर दूर लगते थे।
चाची देखो बोर्ड यहाँ से कितना मस्त लग रहा है कि आज गांव के अपने गांव का इतना प्यारा नजारा देख लिया है, बहुत खुशी हो रही है। तो ये हमारा गांव का प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू। तो ये यहाँ पे छियाने वाले दादूर का घर है, यहाँ पे ये इतना गैप है हमारे घर के लिए और इतना गैप है यहाँ पे गांव के लिए, देखो बढ़िया है। और ये छुयाने वाले दादूर का घर है और इतना गैप है ऊपर जगदीशिला मंदिर के लिए, तो पूरा आप देख सकते हो यहाँ से छुयाने वालों का गैप, इतना जगह सूर जाने के लिए इनके घर से हमारे लिए घर के लिए इतना गैप है। फिर हमारा गांव यहाँ है, यहाँ इतना दूर है देखो। तो आज आपको पता चल गया होगा कितना गैप है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा गांव है, गांव है वो हमारा घर है, वो और का घर है। ये बोल रही है ऐसे बोलना चाहिए था पर मैंने आपको दिखा दिया, जगदी माता का मंदिर ऊपर है, फिर मोहित और का घर हमारा घर, फिर ये गाँव। तो आज पहली बार देखा अपने गांव का इतना खूबसूरत सा नजारा और सच में बहुत प्यारा लग रहा है। अभी फिलहाल हम लगे हुए हैं रास्ते चलने पे। ये देखो यहाँ पे हमारी बुड्ढी जी का घर है, आपने देखा होगा जब मैं पहले के टाइम जब गांव आई थी उस टाइम पे यहाँ पे बुड्ढी जी से मिलने आए थे हम इनके घर पे। और ये यहाँ ऊपर माँ जगदी का मंदिर देखो, माँ जगदीशिला का मंदिर यहाँ भी बहुत प्यारा लग रहा है। और हम लगे हुए हैं आगे रास्ते में चलने पे। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का और हमारा घर देखो यहाँ पे कितने नीचे लग रहा है। अभी हम ऊपर आ गए ना, यहाँ से व्यू देखते हुए यहाँ का, यहाँ के रास्ते देखो पूरे, ये रास्ते देखना कितने खराब हो रखे मिट्टी से। और ये रास्ते पता आज कैसे याद दिला रहे, जब हम अपनी नानी और के घर जाते थे ना पहले, तो उस टाइम पे बारिश के टाइम नान को था अपना रास्ता, ये नहीं नानी और के गाँव के जाते थे उस टाइम ऐसे रास्ते रहते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे कीचड़ में वहाँ पे। और आगे देखो यहाँ तो बहुत ही खतरनाक हो रखे रास्ता यहाँ पे, अब जाना है तो ऐसे कीचड़ में भी पाँव ही रखने ही पड़ेंगे, फिर वहाँ जाके धोएंगे हम। तो कुछ इस तरीके से हम ऊपर पत्थर में चल रहे हैं, तो कुछ इस रास्ते से जाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो कैसे भयंकर हो रहे हैं यार, रास्ते बहुत खतरनाक हो रखे दोस्तों, पूरा का पूरा ये पत्थर भी उड़ रहे हैं। पहली बार कुछ ऐसा रास्ता देखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। भाई ऐसा रास्ता भी देख लिया आज हमने, इनको देखो मैं अपनी चप्पल ही खोल ली थी। यो मैं जो यहाँ रहते होंगे ना वो कैसे आते होंगे यार, बात अपनी हो यार माँ। यहाँ देखो यहाँ का व्यू तो बहुत प्यारा है, यहाँ पे चाची की दीदी भी है, मतलब मनीषा की जेठी माँ, ये उनके इनके यहाँ पे बड्डा जी, मतलब मेरे रिश्ते में बड्डा जी लगता है ये, तो ये इनके खच्चर है यहाँ पे। ये यहाँ पे बड्डी जी और ये यहाँ पे बड्डा जी, और ये बोल रहे हमारे घर नहीं आ सकते थे कि ये यहाँ पे इनके डॉग भूखने पे लगे हुए, ये बोल रहे कि कौन आ गए देखो। ये यहाँ पे हमारे बड्डी जी, बड्डी दादी मिली बड्डी बन वाली। तो ये हमारी जेठी माँ यहाँ पे बड्डा जी, ये चाची यहाँ पे अपनी दीदी से बात करते हुए, ये दोनों बहनें यहाँ पे गप्पे लगा रही हैं। मेरी चाची वहाँ पे अपनी दीदी के साथ गप्पे लगाने लग गया, ऐसे लग रहा दो बहनें पता नहीं कब से मिली होंगी, दोनों के दोनों लगे वहाँ पे गप्पे लगाने पे। और इतनी ऊपर वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, कर रहे हो चाची अभी यहीं पर, ये देखो यहाँ पे। तो अभी हम चाची का वेट कर रहे हैं और आज के ब्लॉग का ना मैं दो पार्ट बनाऊँगी, पहला हमारे गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा और दूसरा ब्लॉग मैं ऊपर जाके स्टार्ट करूँगी शिव जी के मंदिर से। तो अभी चलते हैं, रास्ते में चलने पे लगे रहते हैं क्योंकि अभी बहुत ऊपर है और थक, उतने ऊपर रास्ते देखा ही होगा आपने कितने कीचड़, तो जो लोग यहाँ रहते होंगे पता नहीं उन रास्तों में कैसे आते होंगे। तो अभी हम पहुँच गए यहाँ पे पंगड़ा साइड के आ रखे लोग, बहुत सारे दूर दूर से आते हैं मंदिर में, और अभी हम भी जा रहे हैं।
और ये रितिक को देख के बोल रहे थे बल्कि वो जय बद्री विशाल ब्लॉगर आगे के ये यहाँ पे हमारी बूटी जी और ये बोल रहे हमें ब्लॉग में निकालो कि सबके सब हाई करो सब तो अभी हम जनकोटी मंदिर में आ गए हैं शिव जी भगवान के। ये यहाँ पे रील्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो गेट बंद कर रखा है, मैंने सोचा यहाँ से अंदर जाएंगे लेकिन अब साइड से जाना पड़ेगा।